वेलकम यू ऑल एट आवर ओन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ वेक्टर एजुकेटर्स। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने जो अपना इंट्रोडक्शन वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि ग्रामर के लिए हम लोग 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस करेंगे, तो आज हम लोग इन सभी पार्ट ऑफ स्पीच को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो हमारा पहला पार्ट ऑफ स्पीच है दैट इज नाउन, तो आज हम लोग नाउन को डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज नाउन एंड व्हाट इज इट्स क्लासिफिकेशन। इन दो चीजों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज नाउन, नाउन क्या है, है ना। तो नाउन इज नथिंग बट नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है, नाउन एक नेमिंग वर्ड है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं नाम, ठीक है। हर वो चीज जो इस प्लैनेट पे एग्जिस्ट कर रही है उस हर चीज का कुछ ना कुछ नाम होगा। फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम स्वाति है, ऐसे ही आपका भी कुछ नाम होगा, है ना। नोटबुक ये भी किसी चीज का नाम है, पेन ये भी किसी चीज का नाम है, ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड, हर चीज जिसका कुछ नाम है वो चीज हमारी नाउन है। तो हम ये याद रख सकते हैं कि हर वो चीज जिसका कुछ ना कुछ नाम होता है वो हमारी नाउन होती है, ठीक है। अब आप सभी के सामने लिखा है कि नाउन इज अ वर्ड, नाउन एक शब्द है, है ना। और दूसरी चीज लिखी है नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस और थिंग, किसी भी व्यक्ति वस्तु या स्थान का नाम, उसे हम लोग बोलते हैं नाउन। तो ये चीज होती है हमारी नाउन, ठीक है। अब यहाँ से मैंने आपको इसकी डेफिनेशन तो बता दी, अब हम ये चेक कर लेते हैं कि ये डेफिनेशन हमें कितनी क्लियर हुई है, है ना। तो देखिए अब आपके सामने दो इमेजेस दी गई हैं और इसमें से आपको नाउन को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो जो पहली इमेज है उसमें लिखा हुआ है रोज, और ये रोज क्या है, रोज एक वर्ड है। लेकिन जो दूसरी इमेज है आपके सामने उसमें आपको रोज की इमेज दी गई है ना। तो यहाँ पे ये एक वर्ड है और ये एक इमेज है, ठीक है, ये एक इमेज है। और मैंने आप लोगों को क्या कहा था, जो इससे पहली वाली डेफिनेशन, पहली वाली स्लाइड में हमने इसकी डेफिनेशन देखी थी, उसमें हमने देखा था कि नाउन इज अ वर्ड, तो जो वर्ड है वो नाउन है। तो इन दोनों में अगर मैं बोलूँ कि इन दोनों में से नाउन कौन सा है, तो ये नाउन नहीं है लेकिन ये नाउन है, क्योंकि नाउन इज अ वर्ड और नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन प्लेस और थिंग। तो किसी चीज का, मतलब ये जो रोज है ये रोज एक थिंग है और इसका नाम है ये जो वर्ड आपके सामने लिखा है रोज। तो आई होप आप सभी को अब डेफिनेशन क्लियर है और ये भी क्लियर है कि किस चीज को हम नाउन बोलेंगे और किस चीज को हम नाउन नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो नाउन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू मेन कैटेगरीज, नाउन को हमने दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया है, फर्स्ट इज काउंटेबल नाउन एंड सेकंड इज अनकाउंटेबल नाउन। तो अब ये काउंटेबल नाउन क्या होते हैं और अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, हम इनको देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले काउंटेबल नाउन मतलब एनीथिंग विच कैन बी काउंटेड, कोई भी ऐसी चीज जिसको हम गिन सकते हैं और उसका कुछ नाम है वो हमारी नाउन है, है ना। और जिनको हम गिन सकते हैं वो हो गई हमारी काउंटेबल नाउन। फॉर एग्जाम्पल आप सभी के सामने लिखा हुआ है ट्री, फ्रेंड, हाउस, मैन, बैग, टेबल, ये सारे एग्जाम्पल कैसे हैं, ये सारे एग्जाम्पल हैं हमारी काउंटेबल नाउन के, मतलब इन सबको हम गिन सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्री, ट्री को हम काउंट कर सकते हैं, एक ट्री है, दो ट्री है, तीन ट्री है ना। फ्रेंड्स को भी हम काउंट कर सकते हैं कि मेरा एक दोस्त है, दो दोस्त है, तीन, दस, पंद्रह, बीस, जितने भी दोस्त हैं मेरे। हाउस, घर को भी हम गिन सकते हैं। मैन, आदमियों को भी हम गिन सकते हैं। बैग को हम गिन सकते हैं, एक बैग है, दो बैग है। टेबल्स को भी हम गिन सकते हैं। तो ये थे हमारे काउंटेबल नाउन, मीन्स विच कैन बी काउंटेड, जिन्हें हम गिन सकते हैं। अगला होता है हमारा अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन मीन्स विच कैन नॉट बी काउंटेड, जिनको हम गिन नहीं सकते, ठीक है। और एग्जाम्पल आप सभी के सामने लिखा है वाटर, लव, पॉवर्टी, फ्लोर, गोल्ड और लिबर्टी। अब यहाँ पे देखो क्या वाटर को गिन सकते हो कि एक वाटर है, दो वाटर है, तीन वाटर है, नहीं गिन सकते। लव, किसी का प्यार गिन सकते हो, मान लो मेरी मम्मी मुझसे एक प्यार करती है और मेरे पापा मुझसे तीन प्यार करते हैं, या फिर मेरी मम्मी मुझसे दो प्यार करती है और मेरे भाई से पांच प्यार करती है, ऐसे हम प्यार को गिन सकते हैं क्या, लव को काउंट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। इसलिए ये जो हमारा लव है ये भी हो गया हमारा अनकाउंटेबल नाउन। ऐसे ही पॉवर्टी मीन्स गरीबी, गरीबी गिन सकते हो क्या कि कोई इंसान है वो एक गरीब है और जो दूसरा इंसान है वो पांच गरीब है, ऐसे नहीं गिन सकते ना। ऐसे ही फ्लोर, फ्लोर मीन्स आटा, क्या आटे को गिन सकते हैं, नहीं, इसको भी हम काउंट नहीं कर सकते। ऐसे ही गोल्ड, सोना, सोने को भी हम नहीं गिन सकते। और लिबर्टी, लिबर्टी मीन्स फ्रीडम, तो हम फ्रीडम को भी काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मेरे पापा ने मुझे तीन फ्रीडम दिए लेकिन मेरे भाई को एक फ्रीडम दिया, ऐसे हम काउंट नहीं कर सकते ना फ्रीडम को भी, लिबर्टी को भी। तो जो नाउन्स जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते उनको हम लोग बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। तो आई होप आप सभी को नाउन का ये जो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है वो क्लियर होगा,
है ना। अब ये जो हमारी काउंटेबल नाउन है इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री मेन कैटेगरीज। अब वो तीन कौन सी कैटेगरीज है हम एक एक करके उनको भी डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज प्रॉपर नाउन। सो व्हाट इज अ प्रॉपर नाउन? अ प्रॉपर नाउन इज यूज फॉर अ स्पेसिफिक पर्सन प्लेस और थिंग। मतलब जब हम किसी स्पेसिफिक पर्सन की बात कर दें, स्पेसिफिक प्लेस की बात कर दें या किसी स्पेसिफिक थिंग की बात कर दें। तो एग्जाम्पल आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने दो नाम लिखे हैं, पहला है निक और दूसरा है आर्यन। तो ये जो निक है वो किसी स्पेसिफिक लड़के का नाम है और ये जो आर्यन है वो भी किसी स्पेसिफिक लड़के का नाम है ना। ऐसे ही सुप्रीम चेयर, तो यहाँ पे जो चेयर है वो सुप्रीम कंपनी की है। तो यहाँ पे हमने एक पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक कंपनी बता दी, दैट इज सुप्रीम। ऐसे ही मुंबई, मुंबई भी एक स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर सिटी का नाम है। तो जो स्पेसिफिक नाम होते हैं, जो एक पर्टिकुलर नाम होते हैं, जो प्रॉपर नाम होते हैं किसी पर्सन के या किसी प्लेस के या फिर किसी भी थिंग के, उनको हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। ठीक है, तो आई होप आप सभी को प्रॉपर नाउन क्लियर होगा। अगला नाउन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट नाउन इज कॉमन नाउन। सो व्हाट इज कॉमन नाउन? कॉमन नाउन मींस व्हेन वी टॉक अबाउट अ क्लास ऑफ अ पर्सन प्लेस और थिंग। मतलब जब हम किसी पर्सन की, किसी प्लेस की या किसी भी थिंग की क्लास की बात कर दें, उसके काइंड की, उसके टाइप की बात कर दें, वो होता है हमारा कॉमन नाउन। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखा है निक और आर्यन, है ना। तो यहाँ पे देखो, निक एंड आर्यन आर बॉयज, ठीक है। तो ये जो निक और आर्यन है ये बॉयज है, मतलब निक और आर्यन दोनों लड़के हैं। तो ये जो बॉय है ना, बॉय उनकी कैटेगरी को बता रहा है कि ये निक और आर्यन दोनों बॉय की कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मतलब बॉय के क्लास से बिलोंग करते हैं। तो जब हम किसी पर्सन की भी या किसी प्लेस की या किसी भी थिंग की क्लास की बात कर दें, उसके काइंड की बात कर दें, उसके टाइप की बात कर दें, उसे हम लोग बोलते हैं कॉमन नाउन। ऐसे ही दूसरा एग्जाम्पल गर्ल, मतलब कोई है जैसे सीता गीता, ये क्या नाम है लड़कियों के, लेकिन ये दोनों क्या है, ये दोनों लड़की हैं। तो सीता और गीता दोनों की क्लास क्या है, दोनों की क्लास है गर्ल, दोनों लड़कियां हैं। ऐसे ही चेयर, तो ऊपर वाले एग्जाम्पल में मैंने आपको सुप्रीम चेयर बोला, मतलब वो जो चेयर है वो एक पर्टिकुलर कंपनी, दैट इज सुप्रीम कंपनी की चेयर है। लेकिन जब मैंने सिर्फ चेयर बोला तो वो चेयर किसी भी कंपनी की हो सकती है ना, वो सुप्रीम की भी हो सकती है या फिर कोई दूसरी कंपनी की भी हो सकती है। तो जब मैं स्पेसिफाई नहीं कर रही तो वो बिलोंग कर जाएगी कॉमन नाउन के अंडर। दूसरा है सिटी। तो सिटी कैन बी अहमदाबाद, सिटी कैन बी लखनऊ, सिटी कैन बी आगरा, सिटी कैन बी मुंबई, जयपुर, है ना। तो कोई भी सिटी हो सकती है, यहाँ पे मैं स्पेसिफिक सिटी की बात नहीं कर रही हूँ, इसलिए ये सिटी भी हमारा कॉमन नाउन के अंडर आता है, है ना। तो ये थे हमारे कॉमन नाउन। आई होप आप सभी को कॉमन नाउन क्लियर होंगे। नेक्स्ट नाउन देखते हैं हम, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मीन्स अ ग्रुप ऑफ समथिंग। जब हम किसी चीज़ के ग्रुप की बात करते हैं, जब हम किसी चीज़ के समूह की बात करते हैं, उसे बोलते हैं हम लोग कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है आर्मी, तो आर्मी क्या होता है? आर्मी होता है ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, जो हमारे सिपाही होते हैं, सिपाहियों का समूह, उसे हम लोग बोलते हैं आर्मी। दूसरा एग्जाम्पल लिखा है क्राउड। क्राउड का मतलब होता है ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों की भीड़। फिर लिखा है फ्लीट। फ्लीट का मतलब होता है ग्रुप ऑफ शिप, जो आपके जहाज होते हैं ना, समुद्री जहाज पानी वाले, उनको बोलते हैं हम लोग फ्लीट। और अगला है टीम, तो टीम होता है ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। तो ये जितने भी वर्ड लिखे हैं, आर्मी, क्राउड, फ्लीट और टीम, ये सारे ग्रुप है ना किसी न किसी चीज़ के। अकेले तो आर्मी बनेगी नहीं, हमें काफ़ी सारे सोल्जर्स चाहिए होंगे और उन सोल्जर्स के ग्रुप को हम लोग आर्मी बोलेंगे। ऐसे ही क्राउड, क्या कोई एक इंसान खड़ा है उसे हम क्राउड बोल देंगे? नहीं बोलेंगे ना। ऐसे काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे, भीड़ जमा हो जाएगी, तब हम लोग बोलेंगे कि बहुत ज़्यादा क्राउड है। तो जब हम ग्रुप की बात करते हैं तो ऐसे वर्ड्स जो ग्रुप को डिनोट करें उसे हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन, है ना। तो कलेक्टिव में आपको एक चीज़ दिख रही होगी, ये जो कलेक्टिव वर्ड है ना, ये डिराइव्ड हुआ है कलेक्शन वर्ड से, और कलेक्शन का मतलब होता है चीज़ों को इकट्ठा करना। तो उसमें जब चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं तो एक चीज़ तो होगी नहीं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उनको जब हम जोड़ देंगे तब वो कलेक्शन बना देंगी एक चीज़ का। तो जो चीज़ कलेक्शन बताए उसको बोलते हैं हम लोग कलेक्टिव नाउन। तो आई होप आप सभी को कलेक्टिव नाउन भी क्लियर है। अब यहाँ पे ये तीनों आते हैं काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में, मीन्स हम इनको काउंट कर सकते हैं। ऑल दीज नाउन्स कैन बी काउंटेड। देखो फॉर एग्जाम्पल जो हमारा प्रॉपर नाउन है उसमें आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है निक, आर्यन, सुप्रीम चेयर, मुंबई। मैं निक को भी काउंट कर सकती हूँ, मैं आर्यन को भी काउंट कर सकती हूँ कि आर्यन एक लड़का है। ऐसे ही मुंबई एक सिटी है, तो इसे मैं काउंट कर सकती हूँ ना कि एक सिटी है। ऐसे ही कॉमन नाउन में देख लो, कॉमन नाउन में बॉय, लड़का, कितने लड़के हैं ये हम काउंट कर सकते हैं, है ना,
कितनी सिटीज है हमारी, हम उसको भी काउंट कर सकते हैं। ऐसे ही कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन में हम आर्मी, देखो आर्मी है तो हम आर्मी में ये काउंट कर सकते हैं कि कितने सोल्जर्स हैं, है ना, इसलिए आर्मी के जो सोल्जर्स हैं वो भी काउंट हो सकते हैं, इसलिए इसको हमने रखा काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में। ऐसे ही टीम में कितने प्लेयर्स हैं तो हम प्लेयर्स को भी काउंट कर सकते हैं, इसलिए ये सारे जो है हमारे प्रॉपर कॉमन और कलेक्टिव नाउन, ये तीनों आते हैं हमारे काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में। आई होप आप सभी को काउंटेबल नाउन क्लियर है। तो हम लोग अगला नाउन डिस्कस करते हैं, दैट इज अनकाउंटेबल नाउन। नाउ सी, अनकाउंटेबल नाउन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू मेन कैटेगरीज, फर्स्ट इज मटीरियल नाउन एंड सेकंड इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो अब ये मटीरियल नाउन क्या होता है और एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, हम इसको एक बार देख लेते हैं। देखो मटीरियल नाउन मीन्स, अ मटीरियल नाउन इज अ नेम ऑफ अ मटीरियल और अ सब्सटेंस आउट ऑफ विच थिंग्स आर मेड, मतलब जिससे चीजें बनती हैं। अब इसको हम लोग एकदम डिटेल में अच्छे से समझते हैं। जैसे कि आपके पास होगा एक इनिशियल मटीरियल, है ना, और इस इनिशियल मटेरियल से हम लोग बनाते हैं एक फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, इनिशियल मटेरियल से हमने बनाया फाइनल प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल हमारे पास है फ्लोर और फ्लोर से मैंने बना दी रोटी, तो हमारा इनिशियल मटेरियल था फ्लोर और उससे हमारा फाइनल प्रोडक्ट निकला रोटी। ऐसे ही अगर मेरे पास है वुड, तो वुड से मैंने बना दिया फर्नीचर, मतलब कुछ भी, टेबल चेयर सारी चीजें, है ना, तो वुड से बना दिया मैंने फर्नीचर। तो वो चीज जिससे दूसरी चीज बन रही है उसे हम लोग बोलते हैं मटेरियल नाउन, मतलब जो हमारा इनिशियल मटेरियल होता है ना उसे ही हम लोग बोलते हैं मटेरियल नाउन। जैसे कि यहाँ पे ये फ्लोर हमारा इनिशियल मटेरियल है और ये वुड हमारा इनिशियल मटेरियल है, तो इनको बोलेंगे हम लोग मटेरियल नाउन। ऐसे ही आपके सामने और भी एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, जैसे गोल्ड, गोल्ड से ज्वेलरी बनती है, जैसे कि रिंग, नेकलेस, कुछ भी चीज, है ना, तो गोल्ड जो है वो हमारा इनिशियल मटेरियल है, उससे हम लोग फाइनल प्रोडक्ट कुछ बना रहे हैं, जैसे कि रिंग बना लें, नेकलेस बना लें, इयररिंग्स बना लें, है ना, तो जो हमारा गोल्ड है फाइनल मटेरियल वो हो जाएगा हमारा मटेरियल नाउन। ऐसे ही प्लास्टिक, प्लास्टिक से भी फर्नीचर बनता है और बहुत सारी दूसरी भी चीज़ें बनती है ना, तो प्लास्टिक हो गया हमारा इनिशियल मटेरियल, इसीलिए वो है हमारा मटेरियल नाउन। ऐसे ही लेदर, लेदर से आपका बैग बनता है, शूज बनते हैं, बेल्ट बनती है ना, काफी सारी चीजें बनती है लेदर से, तो लेदर हमारा इनिशियल मटेरियल है, इसलिए ये मटेरियल नाउन की कैटेगरी में आता है। तो आई होप आप सभी को मटेरियल नाउन अच्छे से क्लियर है। अगला है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स देयर आर सम नाउन्स विच वी कैन नीदर टच नॉर सी, वी कैन ओनली फील देम, है ना, ऐसे कुछ नाउन होते हैं जिनको हम न छू सकते हैं ना हम उनको देख सकते हैं, हम उनको सिर्फ फील कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मम्मी का प्यार, मम्मी के प्यार को हम लोग देख नहीं सकते लेकिन मम्मी के प्यार को हम फील कर सकते हैं कि मम्मी हमें बहुत प्यार करती है। ठीक है, ऐसे ही किसी का नॉलेज, किसी का नॉलेज हम देख नहीं सकते लेकिन हम फील कर सकते हैं कि सामने वाला जो पर्सन है उसके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है। तो वो नाउन्स जिनको हम ना देख सकते हैं ना हम उनको छू सकते हैं लेकिन हम उनको फील कर सकते हैं, ऐसे नाउन्स होते हैं हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। ठीक है, अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं ना, वो फीलिंग भी हो सकती है कोई, या फिर वो क्वालिटी भी हो सकती है, या वो कोई स्टेट भी हो सकता है। अब ये कैसे हो सकते हैं हम इनके एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करते हैं। देखो फीलिंग कैसे हो सकती है, जैसे कि लव, फियर, हेट, एंगर, रिस्पेक्ट, है ना, किसी का प्यार, डर, नफरत, गुस्सा और सम्मान, ये सारी जो चीजें हैं इन सारी चीजों को हम लोग सिर्फ फील कर सकते हैं। क्या किसी का प्यार दिखता है? किसी का प्यार नहीं दिखता, हमें बस प्यार फील होता है। डर, डर दिखता नहीं है, डर फील होता है। ऐसे ही हेट, नफरत दिखती नहीं है, नफरत फील हो जाती है कि हाँ मैं उस पर्सन को पसंद नहीं करता है। ऐसे ही एंगर, किसी का गुस्सा दिखता नहीं है लेकिन गुस्सा फील हो जाता है, जैसे कि आज पापा को गुस्सा आ रहा है तो मुझे गुस्सा दिख नहीं रहा लेकिन मुझे फील हो रहा है कि पापा को गुस्सा आ रहा है। ऐसे ही रिस्पेक्ट, जब हम किसी को सम्मान देते हैं तो हम दिखा के थोड़ी देते हैं कि ये रहा सम्मान ले लो इसको, नहीं, हमें वो जो रिस्पेक्ट है वो फील होती है। तो ये जो नाउन्स होते हैं जिन्हें हम छू नहीं सकते, जिन्हें हम टच नहीं कर सकते, जिन्हें हम देख नहीं सकते, हम इन्हें सिर्फ फील कर सकते हैं, ऐसे नाउन्स होते हैं हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसे ही किसी की क्वालिटी, फॉर एग्जांपल ब्यूटी, किसी की सुंदरता, है ना, चलो मेरे सामने जो लड़की बैठी है वो बहुत ब्यूटीफुल है, तो उसकी ब्यूटी जो है वो मुझे दिख नहीं रही है, उसे मैं टच भी नहीं कर रही हूँ लेकिन मैं उस चीज को फील कर रही हूँ कि जो सामने वाला पर्सन है वो बहुत ब्यूटीफुल है। ऐसे ही स्ट्रेंथ, किसी की शक्ति, शक्ति को हम फील कर सकते हैं। ऐसे ही इनोसेंस, किसी की मासूमियत, किसी की मासूमियत को हम फील कर सकते हैं, उसे हम टच नहीं कर सकते, उसे हम देख भी नहीं सकते। ऐसे ही स्टेट हो गया, जैसे कि बर्थ, डेथ, टायर्डनेस, है ना, ये सारे क्या है, जैसे चाइल्डहुड, ये भी एक स्टेट है, तो सिर्फ इनको हम फील कर सकते हैं, इनको हम देख नहीं सकते, इनको हम टच नहीं कर सकते। तो नाउन्स विच वी कैन नीदर सी नॉर टच आर नोन एज आर
एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो आई होप आप सभी को एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी अच्छे से क्लियर होगा। अब देखो ये जो मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये दोनों आते हैं हमारे अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में, मीन्स हम इनको गिन नहीं सकते। जैसे कि क्या हम फ्लोर को गिन सकते हैं, आटे को गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते। हम शुगर को गिन सकते हैं, हम शुगर को भी नहीं गिन सकते। हम वुड को, प्लास्टिक को, गोल्ड को, लेदर को, किसी चीज को भी गिन नहीं सकते, लेकिन वी कैन मेजर देम, हम इनको मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे अनकाउंटेबल नाउन। ऐसे ही हमारा जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी हम काउंट नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल मम्मी का प्यार हम काउंट नहीं कर सकते कि मेरे भाई को तो 3 प्यार करती है लेकिन मुझे 10 प्यार करती है। नहीं, किसी की ब्यूटी के सामने वाला पर्सन है वो ब्यूटीफुल है, तो कोई लड़की है वो 1 ब्यूटीफुल है, कोई लड़की है वो 10 ब्यूटीफुल है, ऐसा नहीं होता। हम काउंट नहीं कर सकते ब्यूटी को। ऐसे ही टायर्डनेस की, आज मैं टायर्ड हूँ, मैं 1 टायर्ड हूँ और मेरी जो छोटी बहन है वो 10 टायर्ड है, ऐसे हम टायर्डनेस को भी काउंट नहीं कर सकते। तो दोज नाउन्स विच कैनॉट बी काउंटेड आर नोन एज अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। तो ये आज हमने नाउन को देखा कि व्हाट नाउन एक्चुअली इज एंड व्हाट इज इट्स क्लासिफिकेशन। आई होप आप सभी को नाउन का क्लासिफिकेशन अच्छे से समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो वीडियो को वापस से आप लोग देख सकते हैं। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।